हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेन्युइन एयरड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपके साथ बातें करनी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी आप लोग ध्यान से प्रेस करना दोस्तों। एंड प्रीवियसली अगर इनमें से किसी भी अपडेट को आपने मिस किया हो तो डेफिनेटली वॉच करना। एंड फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने आपके साथ कुछ एयर ड्रॉप शेयर करे हैं, अगर आपने अभी तक इनको वॉच नहीं किया है, इनकी एयर ड्रॉप ज्वाइन नहीं किए तो एंड होने से पहले ज्वाइन कर लें। नो बी एस क्रिप्टो टोकन का आई थिंक दोस्तों ये वाला फॉर्म क्लोज हो चुका है और अभी ये फिल नहीं हो रहा है, आई थिंक ये दोस्तों एंड हो गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपडेट की तरफ लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अपडेट मैंने आपके लिए नोट करी हुई है, तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली दोस्तों अपडेट है हमारी द अकाउंटिंग ब्लॉकचेन के बारे में, और यहाँ पर हम सभी को विड्रो करना है। मोस्टली आप सबको पता चल गया होगा TAU टोकन की है। TAU टोकन की ऐसी कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त पूछ रहे थे, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लिया हमारे टॉपिक में। कॉइन चेजे एंड बर्न कॉइन एबुलाबा टोकन के बारे में, ABBC कॉइन के बारे में। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ लास्ट में हमारे पेड ड्रॉप से, पेड एयर ड्रॉप से, जिनमें हमें कुछ मनी इन्वेस्ट करनी है, उसके बाद ही हमें टोकन यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ द अकाउंटिंग ब्लॉकचेन की तरफ। दोस्तों इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लॉगिन का लिंक डायरेक्टली। एंड लॉगिन करने के बाद आपका सेम टू सेम इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, आपने दोस्तों विड्रॉ के बटन पर क्लिक करना है। एंड एयर ड्रॉप में हम सभी को 4000 या 4500 टोकन अराउंड मिले थे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, अराउंड 4000 टोकन मुझे मिले हैं। $40 इनकी वैल्यू है ICO की रेट के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर दोस्तों इनको विड्रॉ करने के लिए आपने करना क्या है, विड्रॉ के बटन पर आपने क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करना होगा, एंड आपका इथेरियम का एड्रेस वहाँ पर शो होगा, आपने जस्ट वहाँ पर सबमिट कर देना है। एंड अप टू 72 हर यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है उतना टाइम यहाँ पर लगेगा, एंड उसमें हमारे वॉलेट में आ जाएंगे टोकन्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट TAU टोकन के बारे में हमारे दोस्तों ने पूछा था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है अपने टॉपिक में। लेकिन फ्रेंड, इसकी अभी कोई ऐसी कोई खास अपडेट नहीं है, और अपने टोकन्स को किस तरह से विड्रॉ करना होगा वो अभी उसका कोई अपडेट आया नहीं है। जब भी इसका अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड आपको बता देता हूँ, इसका एयर ड्रॉप स्टिल अभी भी एक्टिव है, और यहाँ पर एयर ड्रॉप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो कर लेना दोस्तों। ये दोस्तों इनके बिटकॉइन टॉक का थ्रेड है एयर ड्रॉप का, एंड मैंने आपको इस वीडियो में बताया था किस तरह से इसको ज्वाइन करना है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, एंड मैं इस वाले थ्रेड का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी नेक्स्ट अपडेट है कॉइन चेस के बारे में, जिसका हम सबने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था और 0.1 ईथर सभी को फ्री में मिल रहे थे, $20 वर्थ ऑफ ईथर। किस तरह से हम लोग यहाँ पर उन ईथर को यूज कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज था दोस्तों, मुझे लगा कि वहाँ पर हम लोग विड्रॉ कर पाएंगे डायरेक्टली अपनी ईथर वॉलेट में, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन जब इनके टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये है कि हमें हमारे को जो $20 वर्थ ऑफ ईथर मिले हैं उनका हम लोग यूज कर सकते हैं परचेस करने में, यानी कि किसी भी ICO के टोकन को हम लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। कॉइन चेस प्लेटफॉर्म पर जितने भी ICOs आते हैं दोस्तों, एंड उसके टोकन हम लोग उस ईथर से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये, और ये भी हमें फायदा ही हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। एंड कुछ समय बाद कॉइन चेस प्लेटफॉर्म का अपना खुद का टोकन लॉन्च होगा, जिसका दोस्तों परचेस टोकन सेल स्टार्ट होगी, तो हम लोग वो परचेस कर लेंगे। एंड उसको किस तरह से परचेस करना होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब भी उसका ICO स्टार्ट हो जाएगा उस वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें KYC करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस वजह से कहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर परचेस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग KYC कर सकते हैं अपने टोकन्स को विड्रॉ करने के लिए। देन अगर आपने पहले कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कभी भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट थी दोस्तों जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पर हमारी बर्न कॉइन के बारे में। एंड बर्न कॉइन का एयर ड्रॉप मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है दोस्तों, जस्ट मैंने आपके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर ही शेयर किया था। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अब इसकी अपडेट क्या है और किस तरह से हम लोगों को टोकन मिलेंगे, जो कि दोस्तों ऑलरेडी ट्रेडिंग पर चल रहा है IDEX एक्सचेंज पर। और यहाँ पर फ्रेंड्स में अपडेट ये है, अभी इनकी एक अपडेट न्यू आई है। पहले हम लोगों को $5 के टोकन बाय करने थे, लेकिन अभी हम ओनली जस्ट परचेस करने पड़ेंगे दोस्तों एज अ फॉर्मेलिटी $1 के टोकन, एंड देन हम इनको विड्रॉ कर पाएंगे इमीडिएटली। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये इनका मेल आया हुआ है आज ही, और इनका एयर ड्रॉप का जैसा कि राउंड 3 लाइव हुआ है आज, और 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक चलेगा ये। और यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि 15th को इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, 15 दिसंबर को। डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग बहुत लेट है दोस्तों, बहुत लेट है ये वाकई में। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमें परचेस करने के लिए कह रहे हैं ओनली $1 के टोकन, लेकिन एयर ड्रॉप में सभी को 250 टोकन फ्री में मिलेंगे, 250 टोकन सभी को फ्री में मिलेंगे। उसके लिए यहाँ पर स्टेप क्या है, आपने यहाँ पर जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर,
एंड वहां पर अकाउंट क्रिएट करना है एंड अपना इथेरियम का एड्रेस वहां पर आपने अपडेट कर देना। सेकंड वन हमसे कहा गया है दोस्तों कि आपने केवाईसी कंप्लीट करनी है, केवाईसी कंप्लीट करने के 225 टोकन यहाँ पर मिलेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों हमें मिनिमम $1 के यहाँ पर टोकन बाय करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी $1 की और उसके बाद $1 के हमें मिलेंगे दोस्तों 63 टोकन और एक्स्ट्रा। अब इसके बाद हम लोग अपने टोकन को विड्रॉ कर पाएंगे और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो दोस्तों एयरड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा वो होगा 15 दिसंबर से, यानी कि ये वाले जो टोकन हम सभी को मिल रहे हैं फ्री में ये मिलेंगे दोस्तों 15 दिसंबर से। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट ये है, देख लीजिए फ्रेंड्स कोई बुराई नहीं है इसको करने में और आप लोग करना चाहते तो कर लीजिए, मैं भी कर लूंगा इसको एंड जस्ट $1 की बात है तो आप लोग करके देख लेना ठीक है। एंड फ्रेंड्स इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आपने रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते ही 25 टोकन यहाँ पर मिल जाएंगे। देन आपसे बाय करने के लिए कहा जा रहा है हम लोगों से, तो हम लोगों को यहाँ पर बाय पर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग KYC भी अपडेट कर देना ठीक है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है कि हमें मिनिमम $1 के टोकन परचेस करने पड़ेंगे तभी हमारी KYC यहाँ पर वेरीफाई होगी, तो पहले यहाँ पर परचेस कर लेना, उसके बाद KYC एंड परचेस करने का क्या मेथड होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही सिंपल मेथड है, इथेरियम के थ्रू आप लोग परचेस कर लेना एंड अपना USD अमाउंट मिनिमम $1 आप यहाँ पर टाइप कर देना, मेक इन्वेस्टमेंट पर आपने क्लिक करना एंड दोस्तों ये वाला ईथर का एड्रेस आ जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे को इस एड्रेस पर $1 के इथेरियम सेंड करने पड़ेंगे, देन उसके बाद दोस्तों आपके पास जो उसकी ट्रांजेक्शन आईडी आएगी वो आपने यहाँ पर देनी होगी ठीक है। ट्रांजेक्शन हैश आईडी तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर कभी भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर लेना, कोई भी आपको बता देगा। एंड फ्रेंड्स आपने इतना ईथर यहाँ पर सेंड करना है, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ये है दोस्तों $1 वर्थ ऑफ ईथर, ये इतना ईथर आपने सेंड करना होगा। तो आप लोग कर लीजिए दोस्तों नो इशू, क्योंकि ये टोकन लिस्ट है एक्सचेंज पर और इसको करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें और आगे प्रॉफिट ही देगा थोड़ा बहुत ठीक है। एंड बाकी की एयरड्रॉप के टोकन भी हमें जो एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको भी हम लोग विड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, काफी सारे दोस्त कंफ्यूज थे कि कॉइन चेस पर किस तरह से हम लोगों को आईडी वेरिफिकेशन करना है। आईडी वेरिफिकेशन दोस्तों सिंपल है, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, अपना नेम लास्ट नेम आपने देना होगा एंड अपने आईडी कार्ड का आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर ओनली पासपोर्ट यूज नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो, अपना नेशनल आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, पासपोर्ट आप लोग यूज नहीं करना, ड्राइविंग लाइसेंस बेस्ट रहेगा आप लोग यूज कर लीजिए, अदरवाइज आपने वोट आईडी कार्ड भी अपना यूज कर सकते हैं ठीक है। एंड आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपके पास वोट आईडी कार्ड है तो आप लोग उसका यूज कर लीजिए। एंड यहाँ पर दोस्तों अपने आपने अपना आईडी नंबर देना, अपनी कंट्री सेट कर लेना, आपने आईडी का फ्रंट साइड यहाँ पर देना होगा एंड यहाँ पर दोस्तों आपने आईडी का बैक साइड देना है एंड दोस्तों आपने अपनी सेल्फी देनी है, सेल्फी पर आपने टाइप करना होगा दोस्तों, आईडी पर आपको टाइप करना होगा आपने एक पेपर पर आज की डेट जिस दिन आप सबमिट करोगे एंड आपका नेम, आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं जस्ट आपने अपना नेम कर देना ठीक है, नेम लिख देना एंड आपने एक हाथ में आईडी होल्ड करनी है एंड इस तरह से आपने सेल्फी लेना, यहाँ पर आपने अपलोड कर देना एंड सबमिट कर देना, ये वाला यहाँ पर फिनिश हो जाएगा दोस्तों, इट्स सिंपल। अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है ये है एबुलावा टोकन के बारे में। एबुलावा में दोस्तों यहाँ पर मैंने इनके एडमिन से बात करी थी कि हम लोग अपने टोकन्स को किस तरह से विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि इनकी वेबसाइट जो एक्सचेंज है वो ओपन नहीं हो रहा है और इसके बारे में अभी मेरी एडमिन से बात नहीं हुई है दोस्तों, क्यों ओपन नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ यहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा हो या फिर क्या पता दोस्तों, कुछ भी रीज़न हो सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या बात हुई थी दोस्तों, एंड मैंने एडमिन से पूछा था कि मर्काटॉक्स से अगर हम लोग बाय करते हैं 200 टोकन एक्स्ट्रा और सेंड करते हैं एबुलावा एक्सचेंज पर तो ये काम करेगा और हम लोग वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं, तो एडमिन ने मना कर दिया इस तरह से काम नहीं होगा एंड आपको इस तरह से नहीं करना। उन्होंने कहा था कि दोस्तों जब ये एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों बाद ये एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है एंड जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप वहीं से अपने टोकन्स को बाय करना 200 टोकन को एंड उसके बाद आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर भी, ये उनका कहना था। और KYC जो हम लोगों की वहाँ पर पेंडिंग में शो हो रही है दोस्तों, वो KYC भी ये लोग वेरीफाई कर देंगे विद इन 5 डेज, ऐसा एडमिन ने कहा था एंड इस बात को करे हुए दोस्तों अराउंड 2 दिन हो चुके हैं और देखते हैं बाकी कुछ दिन और वेट करते हैं दोस्तों जो भी इसकी अपडेट होगी और वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा टाइम के हिसाब से। एंड अभी इनका एक्सचेंज ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों एंड बाकी जस्ट यही अपडेट है दोस्तों ठीक है, एंड फ्यूचर में और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वाली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाली अपडेट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए भी और आप में से काफी सारे लोगों के लिए भी, क्योंकि दोस्तों इसका नेम है ABBC अलीबाबा टोकन एंड अलीबाबा टोकन की दोस्तों अपडेट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ये है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने एक्चुअली कहा है जितने भी लोगों को उनके टोकन्स उनके वॉलेट में रिसीव नहीं हुए हैं, यानी कि मोबाइल वॉलेट में रिसीव नहीं हुए हैं, उन लोगों को हाइब्रिड वॉलेट से मोबाइल वॉलेट में सेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड
वो फॉर्म क्या है दोस्तों? वो फॉर्म है ये वाली वेबसाइट abbcfoundation.org। यहाँ पर आपने आना है एंड अप्लाई करना होगा दोस्तों। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमारा हाइब्रिड वॉलेट कौन सा है। एंड जब यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो फ्रेंड्स अभी इनकी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, अचानक से इसको कुछ हो गया है। और जस्ट मैं अप्लाई पर क्लिक कर रहा हूँ तो वेबसाइट रीलोड हो जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो कन्फ्यूजन थी, हम लोगों को यहाँ पर साइनअप करना होता है और उसमें हमारी वॉलेट आईडी पूछी गई हमसे हाइब्रिड वॉलेट की। अब मुझे याद नहीं है दोस्तों कि हमने कभी हाइब्रिड वॉलेट पर, ये इनका हाइब्रिड वॉलेट है abcwallet.com, एंड यहाँ पर हमने कभी साइनअप किया भी है या नहीं किया है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं दोस्तों। एंड यहाँ पर हमें कौन सी आईडी देनी है, किस आईडी को फॉरगेट करना है और किस तरह से पासवर्ड, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं दोस्तों। हमने कभी शायद यहाँ पर साइनअप नहीं किया है। अगर आप लोगों को में से किसी को भी पता है कि यहाँ पर किस तरह से एबीसी वॉलेट पर हमने कब लॉगिन किया था एंड किस तरह से इसको लॉगिन कर सकते हैं, एंड दोस्तों जो हमने इनकी वेबसाइट पर वॉलेट एड्रेस सबमिट किया था इनके डैशबोर्ड पर, वो एड्रेस अगर वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों के सबमिट भी हैं लेकिन उन लोगों को अभी तक रिसीव नहीं हुए टोकन, लेकिन बहुत से लोगों को रिसीव भी हो चुके हैं उनके टोकन मोबाइल वॉलेट में। अब दोस्तों ये लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं भी या नहीं करना चाहते हैं, इसका समझ में नहीं आ रहा है। एक तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सबसे बड़ी गलती ये है, इनका कोई लाइव सपोर्ट नहीं है, लाइक टेलीग्राम सपोर्ट नहीं है जिसपे हम एडमिन के थ्रू लाइव बात कर सकें। जस्ट ईमेल एड्रेस के पर हमें मेल सेंड करना होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद रिप्लाई आता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा, ये पूरा प्रोसीड्यूर बहुत लंबा पड़ता है और इसमें क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि ये किस तरीके से हम लोगों को विड्रॉ करना है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है या आप में से किसी को पता है किस तरह से विड्रॉ करना है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिससे मैं भी वो इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं एंड सभी लोग अपने टोकन्स को विड्रॉ कर पाएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस समय एक टोकन की वैल्यू काफ़ी अच्छी अब जा रही है, अराउंड $2 के आसपास है। तो जस्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता है तो ज़रूर बताइएगा। एंड बाकी अभी इनका ये फॉर्म भी अप्लाई पर क्लिक करने के बाद काम नहीं कर रहा है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा। एक्चुअली दोस्तों मुझे लगता है मेरे पास जितने भी टोकन थे मुझे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेरा वहां पर जो वॉलेट एड्रेस शो कर रहा है वो रॉन्ग शो कर रहा है, एंड जो वॉलेट एड्रेस मैंने सबमिट करा था वो एक्चुअली वहां पर है ही नहीं। तो पता नहीं क्या होगा दोस्तों, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए बस यही अपडेट है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा STD/STCDR के बारे में, स्मार्टर देन क्रिप्टो की। एंड दोस्तों ये लोग हमसे $10 मांग रहे हैं, जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। एंड इसमें भी दोस्तों कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि हमें $10 यहाँ पर इनको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग हमसे $10 ले लें उसके बाद किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे भी या नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे पहले मैं और भी एयरड्रॉप देख चुका हूँ दोस्तों, ऐसे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्टली क्या करते हैं, जो लोग हमसे एयरड्रॉप के टोकन के पैसे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो बाद में गायब हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं रहता दोस्तों। एंड एयरड्रॉप में ये लोग कहते हैं कि हमें फ्री में देंगे एंड उसके बाद हमसे पैसे मांगते हैं, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं पर स्कैम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके बारे में, आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग अपनी सजेशन दीजिएगा कमेंट करके। एंड दोस्तों सेम ऐसे ही यहाँ पर बाइटली कॉइन के बारे में है, बाइटली कॉइन वाले भी हमारे पास इसके रिगार्डिंग मेल आया है और ये लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि हमें $5 देने होंगे अपने टोकन्स को विड्रॉ करने के लिए, और एयरड्रॉप में अराउंड हमें $5 वर्थ ऑफ टोकन ही मिल रहे थे और उनकी वैल्यू $5 होगी भी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, एक्सचेंज पर लिस्ट होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता दोस्तों। प्रोजेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांगनेस मुझे नहीं लग रही है, प्रोजेक्ट है तो जेनुअन लेकिन स्ट्रांगनेस के बारे में नहीं पता दोस्तों। एंड ये भी हमसे $5 ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टोकन्स को विड्रॉ करने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हमें करना चाहिए इसके इसके लिए, और विड्रॉ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आपको लगता है दोस्तों तो इसके बारे में हम लोग कुछ नेक्स्ट स्टेप बाद में लेंगे, लेकिन कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों जिससे मुझे भी पता चले आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस यही कुछ अपडेट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करें दोस्तों, काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं एंड काफी ज्यादा अपडेट वो मिस कर देते हैं, फिर मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप पर सेपरेटली मैसेजेस करते हैं एंड पूछते हैं दोस्तों, जो कि मैं उनको ऑलरेडी बता चुका हूँ उस अपडेट के बारे में। तो मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों कि आप लोग पहले वीडियो को देखें, उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछा करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ अच्छे से। एंड हमारे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं अपडेट जानने के लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं दोस्तों, एक्साइटेड मैं भी रहता हूँ अपडेट जानने के लिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, ऐसी कंडीशन होती है कि मैं एट अ टाइम आपको उसी समय किसी अपडेट की इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। तो आप लोग सबसे अच्छा क्या करा करें दोस्तों, अपडेट फाइंड करने का बेस्ट वे यही होता है कि आप लोग उनके ट्विटर पर जाएं, उनके टेलीग्राम पर जाएं एंड फेसबुक पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, सोशल मीडिया को पूरा अच्छे से आप लोग आइडेंटिटी करें, वहां पर क्या न्यूज़ आई हुई है, क्या अपडेट चल रही है
एंड दोस्तों यही बेस्ट वे है, मैं भी इसी तरह से फाइंड करता हूँ अपने फ्री टाइम में। एंड जब भी आप लोग फ्री होते हैं, 10 या 15 मिनट का भी टाइम आपको कभी मिलता है, तो हमारे जितने भी ओल्ड टेलीग्राम की ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, जितने भी एयरड्रॉप हमने ज्वाइन किए होते हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर आइडेंटिटी करें एंड एडमिन से भी बात करें क्या अपडेट चल रही है। एंड जो भी आपको अपडेट लगे आपको मिल जाती है उसको आप लोग अपने पास नोट कर लें एंड हमारे साथ शेयर करें दोस्तों। मेरे साथ शेयर करने से फायदा ये होगा कि मैं पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर पाऊंगा, सबके साथ शेयर कर पाऊंगा एंड मैं हर उस बंदे का नाम मेंशन करूंगा उस वीडियो में जो भी मुझे अपडेट ला कर देगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है, अपडेट फाइंड आप भी करना स्टार्ट करें, क्योंकि एक बंदे के बस की बात नहीं होती दोस्तों अपडेट निकालना। और मैं जितनी मुझसे कोशिश हो पाती है अपडेट लेकर आने की, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एंड दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ ऐसी अपडेट हो तो जरूर बताइएगा, काफी सारे दोस्त मुझे मैसेज भी करते हैं कि ये वाला टोकन यहाँ पर लिस्ट हो चुका है, देन मैं उसके बाद आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड दोस्तों अभी कुछ टोकन आई थिंक रिसीव हुए हैं, एडी पावर के नाम से टोकन माइथर वॉलेट में रिसीव हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, मुझे रिसीव नहीं हुआ है, कुछ लोगों को रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफी लेंदी होता जा रहा है, तो अभी के लिए बस इतना है, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।